नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज मैं इस वक्त भुमनसा चौक पे मौजूद हूं और आप ये देख सकते हो कि आज 17 संगठन जो है सिरसा में एकत्रित होंगे। पूरे प्रदेश भर से और पंजाब से वो 17 जो संगठन है वो एकत्रित होंगे और किसानों का विरोध प्रदर्शन जो है ये दशहरा ग्राउंड में एकत्रित होकर के, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह, उनके आवास की ओर बढ़ेगा। नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के। इससे पूर्व पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद यहां पर नजर आ रहा है। इस वक्त का मैं पूरा दृश्य आपको दिखा पा रहा हूं। आप ये देख सकते हो यहां पर पुलिस विभाग की टीम है वो यहां पर तैनात कर दी गई है। 5 जिलों की पुलिस यहां पर बताई जा रही है और ये पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो इस कदर यहाँ पर मुस्तैद की गई है कि कोई भी प्रदर्शनकारी है वो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उनके आवास स्थान तक विरोध प्रदर्शन लेके जाए उससे पहले ही उनको रोका जाए। इस वक्त का मैं पूरा दृश्य आपको दिखा पा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर पुलिस विभाग की टीम जो है यहाँ पर तैनात की गई है। आपको बता दें कि 17 जो संगठन है पूरे प्रदेश भर से और पंजाब से जो किसानों के, वो यहाँ पर जो है इकट्ठे होंगे दशहरा ग्राउंड में और उनका प्रदर्शन जो है उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के आवास का घेराव करने पहुंचेंगे। लेकिन घेराव से पहले इस कदर पुलिस प्रशासन की आप ये तैयारियां देख सकते हो, ये चारों ओर मुस्तैद की गई है ताकि प्रदर्शनकारी है उनको पहले ही रोका जाए। यहाँ पर चारों ओर आपको बता दें कि बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं, बिल्कुल मुस्तैद पुलिस प्रशासन, और बैरिकेड का लगाना ये इस ओर इशारा करता है कि कोई भी प्रदर्शनकारी है वो अंदर जो है न आ सके। इस समय मैं ये आप देख सकते हो निवास स्थान श्री दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में यही जो रास्ता है जो कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की आवास की ओर जाता है, और इससे पूर्व जो है पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैरिकेड लगा दिए गए हैं और यहाँ पर 5 जिलों की जो पुलिस विभाग की टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है ताकि कोई भी जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर दाखिल न हो सके। इस वक्त का पूरा लाइव दृश्य मैं इस वक्त आपको भुमनसा चौक का दिखा रहा हूं, जो कि ये जो मार्ग है ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की घर की ओर जाता है। चारों ओर यहां पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पुलिस विभाग की यहां पर टीम तैनात है। तो इससे यह स्पष्ट तौर पे हम कह सकते हैं कि पुलिस विभाग ने ऐसी तैयारियां कर रखी है ताकि किसानों को जो आवास है उप मुख्यमंत्री का और चौधरी रणजीत सिंह का उससे पहले ही रोका जाए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।